चाहूंगा, और ये मेरा अपना सवाल है, और वो ये सवाल है कि राहुल गांधी को ये जानकारी कहां से लगी कि चीन के पास दिल्ली जितनी कब्जाई हुई जमीन है, ये आंकड़ा ये कहां से आया उनके पास? डिफेंस मिनिस्ट्री ने डॉक्यूमेंट डाला था जिसको मोदी सरकार ने हटा दिया था 6 अगस्त 2020, जब राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया उस डॉक्यूमेंट को, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि यूनिलेटरली चीन भारत की जमीन पर है, भारत की जमीन पर चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 12, 13, 13A दौलत बे गोल्डी के नीचे तक है, रेजांगला से चांगला तक है। उसके बाद भूटान ये कहता है कि जो गांव बसाया है चीन ने वो हमारी भूमि पर नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? चीन ने भूटान के साथ री स्टेप एग्रीमेंट किया है बाउंड्री का। फॉरेन मिनिस्ट्री के हमारे स्पोक्स पर्सन कहता है कि हम निगाह लगाए हुए हैं। नेपाल के साथ चीन ने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट साइन कर लिया, उसने श्रीलंका में हनुमान टोटा का 100 साल के लिए पोर्ट ले लिया। ओपीओके में जो भारत का हिस्सा है कश्मीर का, प्रधानमंत्री जी मुंह खोलने को तैयार नहीं, हुआ इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। तो चीन सरहदें नहीं, व्यापार की हदें भी, $110 बिलियन का इंपोर्ट हम चीन से करने लगे, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स कह रही कि सारी गैर जरूरी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं आप। हमारी एमएसएमई को आपने पूरा तबाह कर दिया, साइकिल का उद्योग, खिलौने का उद्योग, होम अप्लायंसेस की इंडस्ट्री, सारी जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के सामान है वो तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा क्या दबाव है, इतना क्यों आप शरण में चले गए चीन की प्रधानमंत्री जी? ये देश पूछ रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे सेना के विशेषज्ञों से बुलाकर देख लीजिए, जो तस्वीरें आती है उससे ये साफ है। वहां लद्दाख में जो एक नेता है, अच्छा ये हमारी बात तो ठीक ही ठीक है, जो कॉन्चेक स्टेंजी हैं, जो काउंसलर थे वहां, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे, उन्होंने कहा कि डे बाय डे हमारी सीमा में घुस रहा है। इनका तापीर गांव भारतीय जनता पार्टी का सांसद, उसने कहा सदन में कई बार कह चुका हूं प्रधानमंत्री जी को कि अरुणाचल प्रदेश में अंदर घुसकर हमारे नागरिकों का अपहरण करके चीन की सेना ले जाती, लेकिन कोई उसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो अकेले राहुल गांधी नहीं कह रहे, और देश की चिंता कर रहे। राहुल जी ने कहा कि हम साथ में खड़े हैं, आप दृढ़ता से लड़िए तो सही प्रधानमंत्री जी, ना कोई आया है ना घुसा है, अगर कह देंगे क्लीन को चीन क्लीन चीट दे देंगे तो ये देश की भूभागी अखंडता और अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा, हम आपके साथ खड़े। आप इसको इस तरीके से क्यों लेते हैं कि हम सिर्फ आपकी आलोचना कर रहे हैं? अरे हम तो साथ खड़े, लेकिन सच को स्वीकारना तो पड़ेगा आपको, स्वीकारिए ना। 1962 में लड़े थे अमेरिका में राहुल गांधी जाके कह रहे थे मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री मोदी इस मैटर को डील कर पाए, तो ये आलोचना तो है ही। खैर, मैं शहजाद पूनावाला से आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। शहजाद पूनावाला, जितने आंकड़े और जितने तथ्य अभय दुबे बता रहे हैं, उस हिसाब से तो फिर दिल्ली से ज्यादा जमीन चीन के कब्जे में है। और दूसरी बात यह कि सरकार कई बार इस पर स्पष्टीकरण दे चुकी है, अब अगर कांग्रेस को वो स्पष्टीकरण नहीं समझ में आ रहा तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता की बात उनके गले से नीचे उतरेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी के साथ है, दिक्कत क्या है? देखिए, भाजपा के या सरकार के किसी भी वक्तव्य पर भरोसा ना करें, परंतु कम से कम भारत की सेना के वक्तव्य पर भरोसा करें, और ये 2021 का बयान है आर्मी चीफ का, नॉट एन इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट। पर देखिए, सेना के मनोबल पर करो चोट, यही है इनकी राजनीति। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक पर इन्होंने हमेशा सवाल खड़े किए हैं और मनोबल पर चोट की है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि अरुणाचल में हमारे सैनिक पिट रहे, ये राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं आगे सुना दूंगा, परंतु इन्होंने दो तीन बातें रखी। तपिरगांव में एक एक फैक्ट देखो कैसे झूठ बोलते हैं। तपिरगांव का पूरा स्टेटमेंट ट्वीट करके लिखा है, यस आई मेट स्वामी इन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट ऑन December 2nd, ही आस्क्ड मी अबाउट चाइनीज इंट्रूजन, आई टोल्ड हिम दैट ड्यूरिंग 1962 वॉर The China had occupied 2-3 locations. No fresh incursion has taken place during Modi regime. पर ये कैसे मिसकोट करते हैं? यहां पर पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, इन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट की बात की, पेट्रोलिंग पॉइंट 2265, बाकी बहुत सारे पेट्रोलिंग पॉइंट के नंबर लिए इन्होंने, वो दरअसल, और हिंदू ने इसको छापा है, ये एक रिसर्च पेपर में से है, और रिसर्च पेपर किसने, सो कॉल्ड एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने सो कॉल्ड लिखा है, ऑफिशियल कुछ नहीं है ये लिखा है। अगर ऑफिशियल है तो मैं अभय दुबे जी से पूछता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, आप मुझे 4000 स्क्वायर किलोमीटर ना भाई साहब, 5 गांव के नाम बता दीजिए जो कब्जा कर दिया है चाइना ने अब आज की तारीख में। तीसरी बात,
झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तीन तैसी, जिसके परिवार ने अक्साई चीन 32,000 स्क्वायर किलोमीटर खो दिया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खो दिया, अक्साई चीन में एक टुकड़ी घास नहीं उगती इसलिए दे दीजिए, इस प्रकार का स्टैंड लिया हो, यूनाइटेड नेशंस की सीट चाइना को दे दी, फिर कोको आइलैंड खो दिया, कच्चा थी वो 1974 तक अपने पास था उसको दे दिया, 1962 में असम को बाय बाय बोल दिया, 1950 से 60 में जब तिब्बत पर कब्जा कर रहा था चाइना, उसको पीएलए के ट्रूप्स को चावल भिजवाया। आपको याद होगा कि वहां की ट्रूप को हम लोग आईटीबीपी बोलते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पेट्रोल बोलते हैं, नॉट चाइना पेट्रोल। क्यों? क्योंकि वो तिब्बत था, उसको दे दिया। टिया पंगनक, डूम चेली, जोरावर फोर्ट, 640 स्क्वायर किलोमीटर 2013 में गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्याम सरन की रिपोर्ट इंडिया टुडे में कोटेड है, सियाचिन देने को तैयार बैठे थे इंडिया टुडे की 2012 की रिपोर्ट। इनकर्जन्स आर लाइक एक्ने, ये सलमान खुर्शीद का ऑन रिकॉर्ड बयान। अगर चाइना के ऊपर रिपोर्टिंग करते थे तो हिंदू में छपा हुआ है कि एफआईआर कर दो ऐसे पत्रकारों पर, ये स्टैंड हुआ करता था। वो आकर यहां पर लेक्चर दे तो मैं तीन सवाल पूछना चाहता हूं केवल। पहले वो चार गांव के, पांच गांव के नाम बता दे जो हम लोग इस बार 2014 के बाद या 2020 के बाद खोए, पहला एग्जैक्ट नाम चाहिए। दूसरा, चाइना की परस्ती यार तो कौन करता है? चाइना का लेकर आरजीएफ में चंदा लेते हो, उनका धंधा, और करते हो उनका आगे एजेंडा। ये एमओयू वाला धंधा हमने देखा ना, एमओयू किसने साइन किया है? आज अभय जी, मैं भी आपके साथ एक साथ एक समय पर था कांग्रेस में, मैंने तो कभी एमओयू नहीं देखा, पर वो एमओयू का प्रावधान जरा क्या है बता दीजिए जनता को भी। अरे भाई, पब्लिक पार्टी है आप लोग, तो बता दीजिए उस प्रावधान में क्या है उस एमओयू में। और आखिरी बात ये मुझे बता दीजिए कि अगर आप लोग कहते एक इंच जमीन नहीं चाहनी चाहिए, तो कच्चा तीबू का और अक्साई चीन का और सियाचिन देने के प्लान पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? तीन सवाल तो दिया है। अभय दुबे जी कुछ गूगल करने लगे, मुझे लग रहा है। हाँ, गूगल करते रहेंगे, वो गूगल करेंगे। अभय दुबे जी, गांव के नाम मत गूगल कीजिए, नहीं मिलेगा वो सब, मिलेगा तो 50 का मिलेगा। यही तो पूर्वाग्रह है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो राजनीतिक दल है ना, इनके साथ यही दिक्कत है। मैं तो इनका ट्वीट निकाल रहा था साहब, बहुत अच्छा खूबसूरत सा ट्वीट भारतीय जनता पार्टी का मैंने निकाल कर रखा, कल से निकाल के रखिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड बीजेपी हैव डन न्यूमरस वर्क इन सोशल फील्ड, दिस वे देर इज अ ट्रमेंडस सिमिलरिटीज बिटवीन द टू पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और भारतीय जनता पार्टी। शहजाद भाई ठीक कह रहे थे, तब ये उस समय भाजपा में नहीं थे, अगर इनको सच्चाई पता होती तो शायद जाते भी नहीं। ये ट्वीट है 26 जून 2016 का। उसके बाद इनके मंत्रिमंडल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशिक्षण के लिए भी गए, सीख कर आए कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है, और यहां हमको समझा रहे हैं। इन्होंने कहा चार गांव के नाम, मैंने तो पहले ही कहा रेजांगला, चांगला, दौलत बेग, ओल्डी, विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारे पास। 2014 के बाद के पांच गांव पूछे, उस एयर स्ट्रिप आप के नीचे सवाल सुन नहीं पाया भाई दुबे। शहजाद पूनावाला ने पूछा 2014 के बाद वो पांच गांव कौन से हैं जो चीन के कब्जे में चले गए? अरे अभी कहीं बता रहा हूं साहब, मैं लेटेस्ट आज की बता रहा हूं मैं ये बात, और ये मैं अप्रामाणिक बात नहीं कर रहा हूं। जो बफर जोन बना दिए नए, फिंगर 4 से फिंगर 8 हम पेट्रोलिंग करते थे, नया बफर जोन बना दिया। बफर जोन सारे एलएसी के हमारे हिस्से में बनाए चाइना ने, आप विडंबना देखिए, जो कब्जा कराए वो तो दूर की बात है, हमारे हिस्से में हमारी जमीन पर बफर जोन बना दिया, और ये कैलाश रेंजेस खाली करी, हम अपने हिस्से में थे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था कि डिसइंगेजमेंट हो रहा है और हम अभी कैलाश रेंजेस खाली कर, तो सारे सेना के विशेषज्ञों ने कहा था कि हम अभी डोमिनेटिंग पोजीशन पर हैं, आप कैलाश रेंजेस को खाली मत करिए, अगर वहां हम जमे रहते तो हम अच्छा निगोशिएट कर पाएंगे। आज हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम चाहते हैं चीन वहां नहीं रहे, हम चाहते हैं चीन से जो बेतहाशा इंपोर्ट करके भारत को तबाह किया जा रहा है वो बंद हो। अगर ये बात कहते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि हम तो चीन के साथ दे रहे हैं चीन के लिए। अरे साहब, देश के साथ खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को चीन के साथ खड़े होना बंद करना पड़ेगा, देश के साथ खड़े होना प्रारंभ करना पड़ेगा। और तापीर गांव ने पार्लियामेंट में कहा, तापीर गांव ने उस अपहरण किए गए नौजवान का नाम भी लिया, मैं झूठ बोलने का अभ्यास नहीं हूं। अच्छा होता कि हम एक मत इस पर होते और कहते कि हाँ, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर वो सही कह रहा है तो हम दोनों सारे राजनीतिक दल साथ खड़े हैं। ठीक है शेजा, दौलत बेग ओल्डी में हमारा मोस्ट स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्रिप भी है। इन्होंने कहा चाइना का कब्जा है। मैं यहां पर अगर कोई स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, संजय अगर कोई है,
तो मैं उनसे या अनंत जी या विनोद जी बैठे, क्या दौलत बेग ओल्डी भारत के? नहीं नहीं एक सेकंड, अब अभय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अभय जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और आपका नाम अभय है, मतलब कि डरो मत अभय, डरो मत, मेरा पूरा स्टेटमेंट सुनो। नहीं नहीं अनुराग जी ये तरीका ठीक नहीं है, अभय जी अनुराग जी ये तरीका कतई ठीक नहीं, अनुराग जी ये कतई तरीका ठीक नहीं। शहजाद पूनावाला को बात पूरी करने दीजिए, फिर अपनी आपत्ति दर्ज कराइएगा, मैं समय दूंगा आपको। मैंने तो आपको स्पेसिफिकली मैंने आपको अक्साई चीन से लेकर टियापंगनक डूम चैली जोरावर फोर्ट सब चीजों के नाम बताए जो कांग्रेस ने खोए थे। इन्होंने दौलत बेग ओल्डी का नाम लिया, इन्होंने रेजांगला का नाम लिया। अब मैं चाहता हूं कि ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर में, ये ऑफिशियल कांग्रेस स्टेटमेंट है कि रेजांगला और दौलत बेग ओल्डी ये कैप्चर हुआ है 2020 के बाद जी। ये अगर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, और यहां पर बैठे हैं एक्सपर्ट्स, आपको मैं जी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट को, इस शो के अवधि को 10 मिनट बढ़ा के एक मिलिट्री एक्सपर्ट को बुला लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति से संन्यास या ये राजनीति से संन्यास। दौलत बेग ओल्डी पर हमारा स्ट्रिप है, वहां तक की रोड आप लोग बना नहीं पाए, वहां पर एयर स्ट्रिप नहीं बना पाए ठीक से। आज नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, कम से कम झूठ बोलना बंद कीजिए। और अब पेट्रोलिंग पॉइंट से कैसे फिर गए, पेट्रोलिंग पॉइंट का जैसे ही मैंने कच्चा चिट्ठा खोला, और मेरा ओरिजिनल सवाल यह था कि आप बताइए कि कच्चा थी वो आपने 1974 में दिया, दिया कि नहीं दिया? यूनाइटेड नेशंस की सीट आपके नेहरू जी ने दे दी, दी कि नहीं दी? कोको आइलैंड हाथ में थमा कर दिया कि नहीं दिया? इस पर बोलिए बोलिए। देखिए अनुराग जी, मैंने इस बात का उल्लेख किया, मेरा स्टेटमेंट उठाइएगा कि जो विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारी है उसके नीचे दौलत बेग ओल्डी में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, पेट्रोलिंग पॉइंट 11, 12, 13, 13 ए यहां पर चीन है, ब्लॉकेट कर दिया, हम पेट्रोलिंग करते थे वहां, फिर से टाइम आउट, वहां पर बैठी है सेना, एक सेकंड फिर से टाइम आउट, दूसरी है 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली या पेट्रोलिंग पॉइंट पे नहीं जा पा रहे, सुनिए दोनों अलग चीज है। सुनिए देखिए पेट्रोलिंग पॉइंट का सोर्स क्या है आपका, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, पंडित नेहरू ने पार्लियामेंट में इस बात का जवाब दिया, उन्होंने कहा ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि हमने चीन को ऑफर की, ऐसा कोई प्रपोजल ना मेरे पास आया था ना मैंने चीन पंडित को लेटर है भाई, लेकिन एक मनगढ़ंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ये झूठ प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है, एक बात केवल $120 बिलियन का एक वाक्य बड़ा अनिवार्य है मेरे लिए बोलना, क्या किया और विनोद जी मैं माफी चाहता हूं, टिकटॉक को बैन करके 10 दिन इन्होंने डिबेट चलाई। ठीक है अनुराग जी, शहजाद को एक लाइन में बोल दीजिए, बाकी मेहमानों के पास जाता हूं, मात्र 10 सेकंड लूंगा। इन्होंने देखे, फिर से मैंने गांव के नाम पूछे तो पीपी पे आ गए, वो पीपी का सोर्स बता दे कि पीपी हमने खो दिया है, क्योंकि मेरे पास भारत की सेना का स्टेटमेंट है, पर छोड़ देते हैं इस विषय को। मैं आना चाहता हूं कि नेहरू जी ने विजय लक्ष्मी पंडित और बाकी लोगों को लिखा था कि हम ये सीट उनको दे रहे हैं, और उसको भी छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कच्चा थी वो अक्साई चीन पर पार्लियामेंट में नेहरू जी ने बोला कि यहां पर एक टुकड़ी घास की नहीं उगती, तो किसी ने बोला पंडित जी आपके सिर पर तो बाल भी नहीं उगते, तो क्या वो भी दे दे? महावीर त्यागी ने बोला था, अब ये बोलेंगे ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जब नेहरू जी ने कहा था तो महावीर त्यागी ने कहा था, जो कांग्रेस के सांसद थे। अनुराग जी इसका गांव के नाम बताइए, 4000 स्क्वायर किलोमीटर में पीपी बता रहे हैं। अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास, अभय जी मैं लौटूंगा आपके पास, अभी आपके साथ एक सेकंड बस, एक सिर्फ 3 सेकंड में, अच्छा 3 सेकंड सिर्फ 3 सेकंड बोलिए। अंतर जो है पंडित नेहरू और नरेंद्र मोदी जी में अंतर यह है कि पंडित नेहरू दृढ़ता से लड़े थे, भारत की सेना ने मुकाबला किया था, और आज हमने बगैर मुकाबला किए चीन के सामने प्रधानमंत्री जी ने सरेंडर कर दिया, ना वहां कोई आया था ना घुसा था, उन्होंने पार्लियामेंट में तक डिबेट कराई, ये डिबेट कराने को तक तैयार नहीं थे। चलते युद्ध में पंडित नेहरू ने वाजपेयी जी के बात को स्वीकार किया और हमने डिबेट कराई, ये देश सबका है अनुराग जी, ये कोई मेरे और शहजाद पूनावाला का नहीं है। अगर भारत की अस्मिता से भूभागीय अखंडता से समझौता होता है तो दर्द एक समान सबको होना चाहिए।